एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 2 के बच्चों का 2023 टू 24 का इंग्लिश ओलंपियाड क्वेश्चन पेपर। अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह के बच्चों को क्वेश्चंस दिए जाते हैं इंग्लिश ओलंपियाड में। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। तो ये है इंग्लिश ओलंपियाड का क्वेश्चन पेपर। ये क्लास 2 के बच्चों का है जो कि 2 नवंबर को हेल्ड हुआ था। ये क्वेश्चन पेपर सेट सी है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। तो यहां पे जो फर्स्ट पेज है ना, यहां पे बच्चों को कुछ गाइडलाइंस दी गई है जिसे बच्चों को क्लासेस में एग्जाम शुरू होने से पहले समझाया जाता है। साथ ही यहां पे आप बच्चों को वीडियो को पॉज करके इन चीजों को पढ़ के बच्चों को समझा सकते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। अब चलिए देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन बच्चों को दिए गए थे। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 4 सेक्शन में बटा है। जैसे पहला सेक्शन है वर्ड एंड स्ट्रक्चर नॉलेज, इसके जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करता है। जैसे देखते हैं फॉर क्वेश्चन 1 एंड 2 चूज द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली। यहाँ पे क्वेश्चन 1 और 2 में बच्चों को करेक्ट स्पेलिंग वाले वर्ड को चूज करना है। तो पहले में देखते हैं यहाँ पे जो वर्ड्स है ना, ये सारे इंडिविजुअल के स्पेलिंग्स हैं। तो इसमें से बच्चों को करेक्ट इंडिविजुअल का स्पेलिंग ढूंढना है। तो करेक्ट स्पेलिंग जो है वो है डी ऑप्शन, INDIVIDUAL इंडिविजुअल। सो डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो वर्ड है वो है मिस्टिफाई। तो मिस्टिफाई का जो करेक्ट स्पेलिंग होगा वो है MYSTIFY मिस्टिफाई, यानी कि सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सेम वे नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, चूज द सिनोनिम ऑफ लर्क। लर्क का सिनोनिम क्या होता है? सिनोनिम का मतलब जो सिमिलर वर्ड होता है। ऑप्शन ए है एडमिट, ऑप्शन बी है हाइड, ऑप्शन सी इज इन्फॉर्म एंड ऑप्शन डी इज शो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लर्क का मतलब होता है छुपाना, यानी कि बी ऑप्शन हाइड इज द करेक्ट वन। सेम वे नेक्स्ट देखते हैं, चूज द एंटोनिम ऑफ फंबल। फंबल का एंटोनिम यानी कि ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है। ऑप्शन ए है मेस, ऑप्शन बी है सक्सीड, ऑप्शन सी है स्पॉइल्ड, ऑप्शन डी है स्टाइल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फंबल का जो एंटोनिम वर्ड होता है वो होता है सक्सीड। फंबल का मतलब होता है फेलियर, इसका उल्टा हो जाएगा सक्सीड, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। सेम वे नेक्स्ट है फॉर क्वेश्चन 5 एंड 6 चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बच्चों को क्वेश्चन 5 और 6 को देखना है और उसमें से करेक्ट आंसर को चूज करना है। क्वेश्चन 5 है विच ऑफ दीज साउंड डज अ फॉक्स मेक। यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा साउंड है जो फॉक्स बोलता है, यानी कि उसका साउंड है। ए ऑप्शन है स्क्रीम, ऑप्शन बी इज हाउल, ऑप्शन सी इज बार्क, ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ दीज। सो फॉक्स का जो साउंड होता है ना उसको स्क्रीम भी बोलते हैं, हाउल भी बोलते हैं, बार्क भी बोलते हैं, यानी कि ये तीनों ही फॉक्स के साउंड है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस को टिक करना है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द फेमिनिन जेंडर ऑफ हार्ट। हार्ट का फेमिनिन जेंडर कौन सा है? ऑप्शन ए यू, ऑप्शन बी रॉय, ऑप्शन सी विच, ऑप्शन डी क्वीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हार्ट का जो फेमिनिन जेंडर होता है वो होता है ऑप्शन बी रॉय, ROE रॉय। नेक्स्ट देखिए फॉर क्वेश्चन 7 एंड 8 चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड। 7 एंड 8 के लिए जो भी अंडरलाइन वर्ड है ना उसके बेसिस पे बच्चों को आंसर को चूज करना है। 7th क्वेश्चन है आई वॉन्ट टू ईट लीक एंड पोटैटो सूप। तो यहाँ पे लीक को अंडरलाइन किया गया है, तो इसके लिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है नाउन, ऑप्शन बी इज प्रोनाउन, ऑप्शन सी इज एडजेक्टिव एंड ऑप्शन डी इज एडवर्ब। तो यहाँ पे लीक क्या है? नाउन है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब है? लीक जो है ये एक फूड का नाम है और इसीलिए ये क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। फिर नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, मदर मेड अ स्टिकी डो फॉर कुकीज। तो यहाँ पे स्टिकी को अंडरलाइन किया गया है, तो इसके लिए ऑप्शन देखते हैं। ए प्रोनाउन, बी वर्ब, सी एडजेक्टिव, डी एडवर्ब। तो सही आंसर क्या होगा? स्टिकी बोला गया, स्टिकी डो, यानी कि यहाँ पे ये डिस्क्राइब कर रहा है डो, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि स्टिकी क्या है? एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखिए फॉर क्वेश्चन 9 to 15 चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। 9 से 15 बच्चों को फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है जिसके लिए करेक्ट आंसर चूज करना है। 9th क्वेश्चन है रमेश हैज डैश अमेजिंग सेंस ऑफ ह्यूमर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी इज एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? रमेश हैज एन अमेजिंग सेंस ऑफ ह्यूमर। यहाँ पे अमेजिंग है ना, ए से स्टार्ट हो रहा है तो ए वाउल है, इसीलिए आंसर क्या होगा? एन आर्टिकल यूज होगा, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए पिंकी ड्रेस्ड ब्यूटिफुली डैश द पार्टी। ऑप्शन ए एट, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी फ्रॉम, ऑप्शन डी फॉर। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? पिंकी ड्रेस्ड ब्यूटिफुली फॉर द पार्टी, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देयर आर मेनी डैश इन द बस। ऑप्शन ए पैटर्न, ऑप्शन बी कस्टमर, ऑप्शन सी पैसेंजर्स, ऑप्शन डी रेंजर्स। तो जो बस में क्या होते हैं? पैसेंजर्स होते हैं ना, इसीलिए ऑप्शन
सी इज द करेक्ट वन पैसेंजर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थॉट द बर्ड वॉज डेड एज डैश वॉज नॉट मूविंग. सो यहाँ पे ऑप्शन है इट्स, ऑप्शन बी इट्स, ऑप्शन सी इट, ऑप्शन डी इट्स. तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, आई थॉट द बर्ड वॉज डेड एज इट वॉज नॉट मूविंग. बर्ड है ना, इसलिए हम इट बोलेंगे. तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. सेम वे नेक्स्ट देखिए, डैश डू बलून्स फ्लोट इन द एयर. यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड ढूंढना है. ऑप्शन ए है वॉट, ऑप्शन बी इज वेयर, ऑप्शन सी इज विच, ऑप्शन डी इज वाई. तो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन वर्ड करेक्ट होगा सेंटेंस के बेसिस पे, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसमें रीजन दिखाया जा रहा है. तो यहाँ पे आंसर सही होगा डी ऑप्शन, यानी कि वाई डू बलून्स फ्लोट इन द एयर. तो ये डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट देखिए, प्लीज डू नॉट ईट डैश ड्रिंक इन द मेट्रो. इसके लिए ऑप्शन है ऑप्शन ए बट, ऑप्शन बी और, ऑप्शन सी सिंस, ऑप्शन डी येट. तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे पूछा है प्लीज डू नॉट ईट डैश ड्रिंक इन द मेट्रो. तो यहाँ पे कौन सा ज्वाइनिंग वर्ड यूज होगा, और, यानी कि कृपया आप मेट्रो में खाए या पिए नहीं, यानी कि ईट और ड्रिंक होगा. सो बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखिए 15th, द टीचर इज गिविंग द शीट्स डैश. तो यहाँ पे ऑप्शन ए है नाउ, ऑप्शन बी इज देन, ऑप्शन सी इज नेवर, ऑप्शन डी ऑलवेज. सो सही आंसर क्या होगा, द टीचर इज गिविंग द शीट्स नाउ, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन. नाउ हियर इज द नेक्स्ट सेक्शन, रीडिंग सेक्शन है, जिसमें अगेन बच्चों को जो भी क्वेश्चन है वो हर क्वेश्चन 1-1 मार्क्स कैरी करते हैं. तो यहाँ पे देखिए दिया है फॉर क्वेश्चन 16 to 20 लुक एट द पिक्चर एंड चूज द करेक्ट आंसर. यहाँ पे बच्चों को 16 से 20 तक जो भी क्वेश्चन है ना, वो पिक्चर को देखते हुए बच्चों को समझना है और आंसर करना है. तो यहाँ पे बच्चों को एक पिक्चर दिया गया है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं. 16, कैली इज डैश विथ ग्रैंडमा. तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज सैट, ऑप्शन बी सिट्स, ऑप्शन सी सिट एंड ऑप्शन डी सिटिंग. तो यहाँ पे कैली कहाँ है, यहाँ पे ये कैली है, तो कैली के लिए क्या ऑप्शन सही होगा, कैली इज सिटिंग. सिटिंग है ना, क्योंकि वो बैठी हुई है, तो सिट नहीं होगा, सैट नहीं होगा या सिट्स नहीं होगा, सिटिंग होगा. सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट देखिए, ग्रैंडमा इज रीडिंग अ डैश फ्रॉम द बुक. विच टाइप ऑफ बुक शी इज रीडिंग, ऑप्शन ए स्टोरी, ऑप्शन बी डायरी, ऑप्शन सी मूवी एंड ऑप्शन डी न्यूज़पेपर. तो यहाँ पे जो ग्रैंडमा ने बुक लिया है ये किस तरह की बुक है, स्टोरी बुक, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट देखिए, कैटी इज सिटिंग डैश द सोफा. कैटी कहाँ है, ये बिल्ली का नाम कैटी है, तो ये सोफा पे कहाँ बैठी है, ऑप्शन ए अंडर, ऑप्शन बी अबव, ऑप्शन सी एट, ऑप्शन डी ऑन. तो सही आंसर क्या होगा, कैटी इज सिटिंग, जो कैटी है बिल्ली है ये सोफा पर बैठी है ना, यानी कि कैटी इज सिटिंग ऑन द सोफा. सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. जब सोफा पर बैठे हैं, उससे टच हैं, तो ऑन बोलेंगे, लेकिन अबव हम कब बोलते हैं, जब सोफा के ऊपर होता है, वो उससे टच नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पे कैटी जो है वो तो टच है ना सोफा से, तो यहाँ पे ऑन द सोफा बोलेंगे. सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट है, देयर इज ए डैश अंडर द सोफा. तो अंडर द सोफा क्या है, ऑप्शन ए कर्टन, ऑप्शन बी कारपेट, ऑप्शन सी ड्रेस, ऑप्शन डी टेल. अंडर द सोफा क्या है, ये क्या है, ये है कारपेट, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. तो बी को टिक करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश फीट आर टचिंग द ग्राउंड. तो पिक्चर में किसके फीट ग्राउंड पे टच हो रहे हैं, ऑप्शन ए ग्रैंडमास, ऑप्शन बी कैलिस, ऑप्शन सी रॉन्स एंड ऑप्शन डी कैटिस. तो यहाँ पे बच्चों को पिक्चर को देखना है, तो यहाँ पे किसी के भी ग्राउंड में टच नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो रॉन है उसके वो नीचे खड़ा है ना, तो इसीलिए यहाँ पे रॉन का आंसर सही होगा, रॉन्स फीट आर टचिंग द ग्राउंड. सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. नाउ सीएमवे नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर क्वेश्चन 21 to 25 रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोस. तो यहाँ पे बच्चों को एक रीडिंग पैसेज दिया गया, जिसे बच्चों को पढ़ते हुए जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है ना, वो बच्चों को सॉल्व करना है. तो यहाँ पे बच्चों को आप इस तरह से बच्चों को पैसेज पढ़ के सुना सकते हैं, वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं. चलिए क्वेश्चन देखते हैं. द कर्टियर्स हेड वेयर हैंगिंग लो बिकॉज डैश. तो यहाँ पे ऑप्शन ए है दे वेयर थिंकिंग फॉर एन आंसर, ऑप्शन बी दे वेयर लुकिंग एट ईच अदर्स फीट, ऑप्शन सी दे वेयर स्टेयरिंग एट एंट्स ऑन द फ्लोर, ऑप्शन डी दे वेयर टू प्राउड टू लुक स्ट्रेट. तो इसका सही आंसर क्या होगा, बच्चों ने अगर ये पैसेज पढ़ा है तो बच्चों को आंसर इजिली मिल जाएगा. यहाँ पे पूछा है द कर्टियस हेड वेयर हैंगिंग लो बिकॉज, उनका जो हेड था वो लो हैंग कर रहा था क्यों. देखिए यहाँ पे लिखा है
बिगेन टू हैंग लो इन सर्च ऑफ एन आंसर, यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, दे वेर थिंकिंग फॉर एन आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड बिरबल क्विकली अंडरस्टैंड द सिचुएशन व्हेन ही एंटर द कोर्टयार्ड. तो यहाँ पे ऑप्शन ए है, द गेट कीपर्स ऑलरेडी टोल्ड हिम. ऑप्शन बी, ही आस्क्ड वन ऑफ द कर्टियर्स. ऑप्शन सी, ही वॉज अवेयर ऑफ द एम्परर्स नेचर. ऑप्शन डी, बट टोल्ड हिम एवरीथिंग हिमसेल्फ. तो इसका सही आंसर भी बच्चों को इसी पैसेज में मिल जाएगा. जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, बीरबल एंटर द कोर्टयार्ड, बीरबल हु न्यू द नेचर ऑफ द एम्परर. तो यहां पे पूछा गया है ना कि बीरबल को कैसे सिचुएशन समझ में आ गया, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ही वॉज अवेयर ऑफ एम्परर्स नेचर. सो सी इज द करेक्ट आंसर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द क्रोस वेयर लेस देन द नंबर दैट बीरबल टोल्ड अकबर देन दे डैश. सो ऑप्शन ए, हैव कम टू विजिट देयर रिलेटिव्स. ऑप्शन बी, हैव बीन हाइडिंग फ्रॉम योर मेन. ऑप्शन सी, हैव गॉन टू विजिट देयर रिलेटिव एल्सवेयर. ऑप्शन डी, हैव बीन हंटेड डाउन. तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ये भी पैसेज में दिया गया है. आंसर है ऑप्शन सी, हैव गॉन टू विजिट देयर रिलेटिव एल्सवेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड अकबर्स रिएक्ट टू बीरबल्स आंसर. तो इसके लिए ऑप्शन ए है, ही वॉज एंग्री. ऑप्शन बी, ही वॉज कन्फ्यूज्ड. ऑप्शन सी, ही वॉज अनहैप्पी. एंड ऑप्शन डी, ही वॉज इम्प्रेस्ड. तो आंसर क्या है, ऑप्शन डी, ही वॉज इम्प्रेस्ड. सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द पैसेज द वर्ड डम्बफाउंडेड मीन्स डैश. यहाँ पे पूछा गया है कि जो पैसेज में डम्बफाउंडेड है ना, जिससे बच्चों को ब्लैक में बोल्ड लेटर में लिखा गया था, उसका मतलब क्या होता है. ऑप्शन ए, सरप्राइज्ड. ऑप्शन बी, ओवरजॉयड. ऑप्शन सी, स्केर्ड. ऑप्शन डी, डिजेक्टेड. इसका सही आंसर क्या होगा, डम्बफाउंडेड का मतलब होता है सरप्राइज, यानी आश्चर्यचकित हो जाना. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट यहाँ पे जो सेक्शन है वो है स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन के, जिसके हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करते हैं. जैसे देखिए, फॉर क्वेश्चन 26-30 चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन टू कंप्लीट ईच कन्वर्सेशन. यहाँ पे बच्चों को 26-30 कन्वर्सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें बच्चों को करेक्ट आंसर, सुटेबल आंसर चूज करना है. जैसे देखिए, 26 क्वेश्चन है, अमन, आई थिंक श्रेया डांस द बेस्ट अमॉन्ग ऑल. सो नीति ने क्या कहा, ऑप्शन ए, आई नोन. ऑप्शन बी, आई एग्रींग. ऑप्शन सी, वाई नॉट. एंड ऑप्शन डी, आई एग्री. तो यहाँ पे अमन जो है वो बोल रहा है कि आई थिंक श्रेया डांस द बेस्ट अमॉन्ग ऑल. तो नीति ने क्या कहा, नीति एग्रीड, यानी कि नीति सेड आई एग्री. ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट देखिए, सोनिया, वी हैव डैश बीन टू द USA. तो यहाँ पे ऑप्शन ए है, एवर. ऑप्शन बी इज नेवर. ऑप्शन सी, नो. ऑप्शन डी, ऑलवेज. सो एज पर द सेंटेंस यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, सोनिया, वी हैव नेवर बीन टू USA. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट देखिए, सुमन, वाई आर यू सो डैश प्रिया, द मेट्रो गॉट डिलेड. तो यहाँ पे सुमन ने क्या कहा, यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, ऑप्शन ए, लैटर. ऑप्शन बी, लेटेस्ट. ऑप्शन सी, लास्ट. ऑप्शन डी, लेट. तो सही आंसर क्या होगा, सुमन ने बोला, व्हाई आर यू सो लेट. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखिए, जया, डैश इज नॉकिंग एट द डोर. तो यहाँ पे ऑप्शन ए है, एनीबडी. ऑप्शन बी, एवरी. ऑप्शन सी, समबडी. ऑप्शन डी, एनीवन. तो जब कोई डोर पे नॉक करता है तो हम कैसे बोलते हैं, जया ने बोला, समबडी इज नॉकिंग द डोर, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन, समीरा, डिड यू एंजॉय योर डे डैश द बीच. सो यहाँ पे रिजवान क्या बोल रहा है, ओ यस आई डिड. तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, ऑप्शन ए, ऑफ. ऑप्शन बी, एट. ऑप्शन सी, इन. ऑप्शन डी, टू. तो यहाँ पे बीच की बात की जा रही है ना, प्लेस है, तो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, डिड यू एंजॉय योर डे एट द बीच. सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट देखिए, अचीवर सेक्शन. सो अचीवर सेक्शन के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करते हैं. जैसे देखिए, यहाँ पे लिखा है, फॉर क्वेश्चन 31 and 32 चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स. 31 and 32 के लिए बच्चों को फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है, करेक्ट आंसर चूज करना है. जैसे देखिए, 31 है, जैसा इज डैश द गिटार सॉफ्टली. तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए दिया है, प्लेड. ऑप्शन बी इज बीट. ऑप्शन सी इज स्ट्रमिंग. एंड ऑप्शन डी इज बैंगिंग. सो सही आंसर क्या होगा, जैसा इज स्टर्मिंग. स्टर्मिंग का मतलब होता है बहुत ही सॉफ्टली गिटार चलाना. सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट देखिए, टुडे इज डैश देन यस्टरडे. सो ऑप्शन ए इज वार्म.
ऑप्शन बी वार्मर, ऑप्शन सी वार्मेस्ट एंड ऑप्शन डी वार्मली। तो यहाँ पे टुडे को यस्टरडे से कंपेयर किया जा रहा है, तो यहाँ पे टू थिंग्स को यानी कि दो दिन को कंपेयर किया जा रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री यूज होगा यानी कि वार्मर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली। यहाँ पे जो वर्ड दिए गए इसमें जो करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड है वो बच्चे को चूज करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में मुस्टैच दिया है, ऑप्शन बी इज मुस्टैच, ऑप्शन सी इज मुस्टैच, ऑप्शन डी इज ऑल्सो मुस्टैच। तो मुस्टैच का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा, एम ओ यू एस टी ए सी एच ई, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए 34th क्वेश्चन, चूज द सिनोनिम ऑफ मडल। मडल का सिनोनिम वर्ड यानी कि सिमिलर वर्ड ढूंढना है। ऑप्शन ए है क्लेरिफाई, ऑप्शन बी है इमेजिन, ऑप्शन सी हेल्प, ऑप्शन डी कंफ्यूज। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मडल। मडल का मतलब होता है कंफ्यूज होना, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए 35th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द कन्वर्सेशन। अगेन यहाँ पे कन्वर्सेशन दिया गया है जिसके लिए सही वर्ड को चूज करना है। रीना, वाई इज अदिति स्क्रीमिंग। रेखा, शी हैज ए और एन डैश ऑफ स्पाइडर्स एंड शी सॉ वन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है स्केर्ड, ऑप्शन बी फियर, ऑप्शन सी अफ्रेड, ऑप्शन डी अनइजी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, रेखा ने बोला शी हैज ए फियर ऑफ स्पाइडर्स एंड शी सॉ वन, यानी कि उसको डर है स्पाइडर से, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस तरह का बच्चों को इंग्लिश ओलंपियाड का पेपर आप बच्चों को सॉल्व करा सकते हैं एज ए सैम्पल पेपर, ताकि बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर हो सके। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो या वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।